हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कम्युनिकेशन के जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, यानी कि 2021 के जो क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, द लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू नॉइज इन कम्युनिकेशन सिस्टम बाई ऑडियंसेस, यानी कि ये कह रहा है कि इन सब में से कौन सी ऐसी चीज है जो कि कम्युनिकेशन में जो नॉइज हो रहा है वो नॉइज मतलब कहाँ पे कम होता है। ठीक है, हमें बेसिकली देखना है कि कौन सी चीज है जो कि नॉइज कम करती है जब भी कम्युनिकेशन हो रहा हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो वर्ड है वो है सेलेक्टिव अटेंशन, सेलेक्टिव परसेप्शन, सेलेक्टिव रिटेंशन और सेलेक्टिव इंटेंशन। इन चारों वर्ड को समझ लेते हैं। देखिए, अटेंशन क्या होता है, अटेंशन देने का मतलब क्या हो गया कि जब आप किसी चीज़ पे सेलेक्टिव अटेंशन दे रहे हैं, मतलब कि आप कुछ चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं और कुछ चीज़ें आप छोड़ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, सेलेक्टिव, आप प्रिसाइज हो जा रहे हैं, सेलेक्ट करके आ रहे हैं, ऐसे शब्द हैं यहाँ पर। तो अगर आप देखिए यहाँ पे क्या है, सेलेक्टिव परसेप्शन, सेलेक्टिव रिटेंशन। सेलेक्टिव रिटेंशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी चीज़ बताई गई उनमें से कुछ सेलेक्टिव चीज़ें आपने ध्यान में रखी। जैसे लेट सपोज कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अब पढ़ाते वक्त मैंने क्या किया कि कोई जोक सुना दिया, ठीक है, या आकाश जो एक स्टैंड अप कॉमेडी है उसकी मैंने कोई क्लिप लगा दी, तो क्या होगा कि कितना भी टाइम हो जाए बट वो वाली क्लिप आपको याद रहेगी। तो ये क्या होगा, कुछ सेलेक्टिव चीज़ आपने रिटेन कर ली। और वो क्यों कर ली, क्योंकि कंटेंट हैज टू स्टिक फॉर इट हैव एन इफेक्ट। जबकि ये कब होता है, जब ऑडियंस मोर लाइकली टू रिमेम्बर, उन चीज़ों को पसंद करती है याद करना, ठीक है, जिसपे वो जो ज़्यादा अग्री करते हैं, जिससे किसी बात पर अगर आप अग्री नहीं करते या जो बात आपकी समझ में नहीं आती है वो बातें आपको ज़्यादा दिनों तक ध्यान नहीं रहती, उनको रिटेन करना मुश्किल है। इसीलिए यही कहा जाता है कि जब पढ़ें तो समझ के पढ़ें। तो वही है सेलेक्टिव रिटेंशन भी, कि वो चीज़ जो आपको पसंद आ रही है, यानी कि जो आपको समझ में आ रही है, यानी जिस बात पे आप अग्री करते हैं उस बात को आप लॉन्ग टर्म में याद रखते हैं। अब सेलेक्टिव रिटेंशन है मतलब कि जो भी कुछ ढेर सारी चीज़ें बताई गई, जितना भी समझ लीजिए आपको पढ़ाया गया, तो कुछ सेलेक्टिव चीज़ें आपको याद है, क्योंकि क्या हुआ कि कुछ उसमें इमेज ऐसी थी जो आपको अच्छी लग रही थी, ठीक है, आप उसको देख के आप अच्छा फील कर रहे थे, तो वो चीज़ें आपको याद हो गई। तो क्या होगा, सेलेक्टिव चीज़ें ध्यान रह गई। अब जब सेलेक्टिव चीज़ें ध्यान रह गई और कुछ चीज़ें छूट गई, इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक नॉइस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सेलेक्टिव परसेप्शन, परसेप्शन क्या है, मतलब मेरा अपना परसेप्शन, मेरा अपना कह सकते हैं कि दृष्टिकोण, ठीक है, एक परसेप्शन ही बन गया है। तो अब जो परसेप्शन बन गया है उसी परसेप्शन के थ्रू आपको समझाया जाएगा या दिखाई जाएंगी चीज़ें, तो आपको समझ में आएंगी। जैसे ऑडियंस में रिजेक्ट सम ऑफ द मीडिया कंटेंट एज दे सी, ठीक है, यहाँ पे भी बताया गया है कि जो फिस्टिंगर, उन्होंने बताया कि पीपल एक्टिविटी सीक आउट द मीडिया कंटेंट विच अफर्म देयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्ल्ड व्यू। जो चीज़ आप पहले से जानते हो उन्हीं चीज़ों को बताया जाए। जैसे अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ, या अभी आपके सामने एक इमेज ला दी जाए, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, इसको ऊपर नीचे करके लिख दिया, जो सीक्वेंस होना चाहिए वो नहीं लिखा, तो आप तुरंत खट से जान जाओगे कि ये होना चाहिए सीक्वेंस, क्योंकि आप उस चीज़ों को पहले देखे हुए हो, पहले समझे हुए हो। तो यहाँ पे क्या हो गया कि उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना जो चीज़ें पहले से ही दिमाग में बनी हुई हैं, जिनके बारे में आप पहले से इंफॉर्मेशन है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, प्री, प्री का मतलब होता है कि परसेप्शन, प्री मीन्स जो पहले से ही पता है चीज़ें, ठीक है। अब जैसे कुछ काफ़ी सारी चीज़ें, अगर बहुत सारे ब्रांड के नाम आपके सामने रख दिए जाएं, तो आप सबसे पहले उन ब्रांड के नाम जल्दी जल्दी पिक कर लोगे, ऐसे कई सारे ऐसे रख दिए, और उसमें से आप उन सारे ब्रांड के नाम जल्दी पिक कर लोगे जिनसे आप पहले से फैमिलियर हो, जिसको आपने पहले कभी देखा है टीवी पे, या फिर आपने उसके कपड़े खरीदे हैं या कुछ खरीदा है। तो ये क्या हो गया, ये सेलेक्टिव परसेप्शन हो गया, कि उन चीज़ों को आपको लगा कि ये ब्रांड मतलब अच्छा होगा, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि उसको आपने कभी कहीं देखा है, कभी कहीं जाना है, आपको ऐसा लग सकता है कि वो ब्रांड बड़ा होगा, जबकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ उससे भी बड़े ब्रांड वहां पर हो, ठीक है। आई थिंक अब ये क्लियर हुआ कि परसेप्शन क्या है, जिन चीज़ों को हम पहले से जान रहे हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। तो है सेलेक्टिव परसेप्शन, सेलेक्टिव रिटेंशन, जो चीज़ें हमें अच्छी लग रही हैं,
ठीक है, जो हमें समझ में आ रही है उन चीजों को हम रिटेन कर रहे हैं, यानी कि बाकी चीजें क्या हो गई, छूट गई, तो सेलेक्टिव रिटेंशन हो गया। अब यहाँ पर जो वर्ड आता है सेलेक्टिव अटेंशन, वही बात है कि सेलेक्टिव चीजों पर ध्यान देना, तो सेलेक्टिव अटेंशन भी वही हो गया, रिटेंशन में भी है कि आप चीजों को छोड़ रहे हैं, परसेप्शन आपका आपके माइंड में जो पहले से इंफॉर्मेशन गैदर्ड है वो उस पे बेस्ड इंफॉर्मेशन लेना। अब लास्ट में आता है यहाँ पे सेलेक्टिव इंटेंशन, तो इंटेंशन में देखिए ज्यादा कुछ होता नहीं है, इंटेंशन का मतलब है ना किसी काम को करने का क्या इंटेंशन है, ठीक है। अगर सही इंटेंशन रखोगे ना कि अगर सही अपने आप को मतलब पॉजिटिव फील करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, इसी तरह की चीजें, तो गुड इंटेंशन गुड रिजल्ट। इंटेंशन का मतलब जैसे इस इमेज से आप समझिए कि यहाँ पे इंटेंशन क्या है कि हर कोई मतलब आप ग्रो करना चाहते हैं, एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, अपना एक अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, तो इंटेंशन आर मेंटल स्टेट्स इन विच द एजेंट कमिट देमसेल्फ टू अ कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि एक मेंटल स्टेट है, मतलब पॉजिटिव सोचना या निगेटिव सोचना एक मेंटल स्टेट है किसी एजेंट का, दैट कमिट देमसेल्फ कि हमें ये काम करना है, इंटेंशन लेके चलना। तो अब आप बताइए कि जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करें, एक आपने इंटेंशन एक आपका ये है कि भाई मेरा जो गोल है वो अचीव होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी आप उन सभी चीजों को आप गैदर करोगे, ऐसा नहीं कि आप सिलेक्टिव चीजों को सिर्फ पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटेंशन है ये नॉइस कम करता है, क्योंकि पॉजिटिव इंटेंशन और निगेटिव इंटेंशन, अगर इंटेंशन ये है कि एग्जाम को क्लियर करना है तो जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी आप उन सभी चीजों को पढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि अगर आपको सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा लगता है तो आप सिर्फ वही पढ़ोगे या ICT अच्छा लगता है तो वही पढ़ोगे, ऐसा तो नहीं कि कुछ कुछ चीजों को गैदर करोगे बाकी सब छोड़ दोगे, आपको तो सब पढ़ना होगा। तो सेलेक्टिव इंटेंशन ये है कि जो सारी इंफॉर्मेशन आपको गैदर करने के लिए मतलब वो करता है कि हाँ ठीक है, अगर एक बार सोच लिया कि गुड इंटेंशन है तो हमें गुड की तरफ जाना है, ठीक है। सो यहाँ पर जो लेस इम्पैक्ट होगा वो सेलेक्टिव इंटेंशन का होगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्या कहता है, यहाँ पर है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग अ मैसेज फ्रॉम अ सोर्स टू एन ऑडियंस वाया चैनल। तो ये एक प्रोसेस जो कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो उसमें कई सारे कॉम्पोनेंट होते हैं और एक प्रोसेस के थ्रू ये पहुंचता है मैसेज जो भी रिसीवर है, जैसे कि सोर्स क्या हो गया यहाँ पर कि मैं सोर्स हो गई आपके लिए मैसेज का, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैसेज होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन होगी जो मुझे आप तक पहुँचानी होगी, और किसी चैनल के थ्रू आपके तक पहुँचेगा, और यहाँ पर एक रिसीवर होगा, उसके बाद आगे प्रोसेस बढ़ता जाएगा कि फीडबैक और ये सारी चीज़ें। तो ये होता है एक प्रोसेस जहाँ पर सोर्स भी होगा, मैसेज होगा, और चैनल के थ्रू रिसीवर तक पहुँचेगी बात, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक कहता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है टू एस्टैब्लिश कॉमननेस बिटवीन द सोर्स एंड द ऑडियंस इज इफेक्टिव सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन। कॉमननेस का मतलब सिंपल है, ये मीनिंग का मतलब जो चीज कॉमन है, जैसे कि अब अगर बादल मैं बोलूँ तो ठीक है कॉमन है ना कि मैंने बादल क्लाउड कुछ भी बोला तो आपके दिमाग में सेम मतलब क्लाउड आ रहा है कि ठीक है बादल से बारिश होती है और इस तरह की चीजें। तो कॉमननेस कि जब हम बात कर रहे हैं तो एक वर्ड की सेम मीनिंग है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, जैसे अगर यहाँ पर बात हो रही है कि हम हिंदी में समझ रहे हैं चीज़ों को, अब यहाँ पर ही कोई अदर लैंग्वेज आ जाए तो क्या हो गया कि वहाँ पे कॉमननेस नहीं होगी, सेम वर्ड के किसी और लैंग्वेज में उसका मीनिंग कुछ और होगा। तो यानी कि जब जब दो जब भी लोग कुछ लोग बात कर रहे हो कम्युनिकेट कर रहे हो तो वहाँ पर अगर कॉमननेस है तो कैसा होगा कम्युनिकेशन, सक्सेसफुल होगा, ठीक है, मतलब सही होगा। जो 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 भी वर्ड मैं बोलूंगी वही वर्ड एग्जैक्ट आप समझोगे, ऐसा नहीं होगा कि आप ये बोलो कि आपकी लैंग्वेज में उसको कुछ और कहा जाता है, तो वहां पे सेंस ऑफ कॉमननेस नहीं होगा, ठीक है। तो कॉमननेस होने से क्या होगा कि कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल होगा, बेस्ट वे में होगा। सो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, सो आंसर यहाँ पे फर्स्ट वाला हो जाएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है स्टाइल दैट इम्पैक्ट कम्युनिकेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पे है प्लेकेटिंग ब्लेमिंग कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रैक्टिंग। तो देखिए आपको मैंने बताया हुआ है कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है मैच द फॉलोइंग में,
कि सबसे पहले आप उसे मैच करा ले जो कि आपको मतलब लगता हो कि इसका तो यही होगा, मतलब बेस्ट मैच ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि डूइंग और सेइंग व्हाट इज इररिलेवेंट, बीइंग ओवर करेक्ट, फॉल्ट फाइंडिंग एंड एक्टिंग एज अ सुपीरियर, किसी के में ना फॉल्ट हमेशा ढूंढते रहना और ब्लेम करते रहना, मतलब। तो बी जो है थर्ड से रिलेट करेगा, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और है कि ये बात करता है डूइंग और सेइंग एनीथिंग जो इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट मतलब डिस्ट्रैक्टिंग, डिस्ट्रैक्ट होना। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये वर्ड है, ये चारों वर्ड कम्युनिकेशन से रिलेट करते हैं, तो ब्लेम करने का मतलब हो गया कि दूसरे पर चिल्लाना, ब्लेम करना और जो भी गलती है किसी और पे थोप देना, तो ये हो गया ब्लेम करना। ठीक है, प्लकेटिंग मतलब जैसे कि आप यहाँ पे देखो इंटेंडेड टू मेक समवन लेस एंग्री और हॉस्टाइल, मतलब बहुत ही प्यार से किसी से बात करना और गुस्सा नहीं करना और अच्छे से बात करना, और जैसे यहाँ पर आप इस इमेज के थ्रू देख सकते हैं, तो ये है प्लकेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर है कंप्यूटिंग, तो कंप्यूटिंग का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर कंप्यूटिंग का मतलब है कि कंप्यूटिंग इज एन एक्टिविटी यूज कंप्यूटर टू मैनेज एंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन, ये यहाँ पर बताया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है डिस्ट्रैक्ट, तो देखिए ये यहाँ पे कुछ मतलब डिस्ट्रैक्ट करना, कोई पढ़ाई में कोई पढ़ना चाह रहा है, फोकस हो रहा है, जैसे हॉस्टल वगैरह में आप देखो कि कभी कभी रूममेट्स वगैरह ऐसे होते हैं कि मतलब एक तो पढ़ना चाहता है और दूसरा डिस्ट्रैक्ट करने की बात कर रहा है या कुछ और कर रहा है, तो वो क्या हो गया, कुछ जो भी कुछ कर रहा है उसका बिल्कुल इररिलेवेंट एस्पेक्ट्स में चले जाना, बिल्कुल वो ना करने देना, तो डिस्ट्रैक्टिंग जो हो जाएगा वो इररिलेवेंट। ब्लेमिंग आपको बता दिया कि मतलब हर किसी में फॉल्ट ढूंढना। नेक्स्ट है यहाँ पे प्लकेटिंग, प्लकेटिंग में क्या है, टेकिंग इन ग्रेटिंग वे। ठीक है, सो ये हो जाएगा फोर्थ। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग बीइंग ओवर करेक्ट, तो अभी यहाँ पर आपने बेस्ट मैच ढूंढ लिया कि डिस्ट्रैक्टिंग जो है वो कुछ मतलब इररिलेवेंट टाइप की बात करना, तो डी जो है वन से रिलेट कर रहा है। आप एक ऑप्शन से भी यहाँ पे कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है पेपर में जो भी आपको वर्ड दिखे उस वर्ड का प्रॉपर मीनिंग क्या है, उसको हम किस चीज से रिलेट कर पा रहे हैं, इस चीज पे ध्यान देना है। आप यहाँ पर समझिए कि क्वेश्चन को कैसे, अगर नए क्वेश्चन सामने आ रहे हैं तो आपको कैसे उसको सॉल्व करना है, जो भी यहाँ पे वर्ड लिखा है उसके कॉमन सेंस में क्या मीनिंग हो सकता है, उस बात पे फोकस करना है और वहां से आपको करेक्ट मैच मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ए का 4 है यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन जो कि करेक्ट है, जो कि ऑप्शन 4 है, सो 4th इज दी आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन कहता कि मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन अकर व्हेन सोर्स एंड रिसीवर आर होमोफिल्स, तो अब ये होमोफिल्स क्या होते हैं, तो होमोफिल्स का मतलब ये है, देखिए दो वर्ड है यहाँ पर, होमोफिल्स और हेट्रोफिल्स। होमोफिल्स मतलब एक जैसे, हेट्रोफिल्स मतलब अलग अलग। तो होमोफिल्स इज अ सोशियोलॉजिकल थ्योरी दैट सिमिलर इंडिविजुअल विल मूव टूवर्ड ईच अदर एंड एक्ट अ सिमिलर मैनर। ठीक है, जैसे जो भी आपके फ्रेंड्स भी बनते हैं ना, वो होमोफिल्स होते हैं, मतलब आपके जैसे ही वो होते हैं तभी वो आपके दोस्त बनते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हो गया कि इनका ये होमोफिल्स हो गया, ये आपस में होमोफिल्स हो गए, बट अगर मैं इन दोनों को रिलेट करूं तो ये हेट्रोफिल्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर कहता कि मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन अकर, कम्युनिकेशन वहां पर ज्यादा अच्छा होगा जब होमोफिल्स टाइप के लोग होंगे, जो सोर्स है और जो रिसीवर है वो दोनों ही, अगर दोनों का मतलब क्या है कि अगर थॉट प्रोसेस सेम जैसा होगा या दोनों एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे तभी तो वो ज्यादा देर तक कम्युनिकेट कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे यही बात बोल रहा है कि अगर वो होमोफिल्स हैं तो सेंडर और रिसीवर के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन होगा, ये असर्शन है, तो ये बात बिल्कुल ठीक कहता है। नेक्स्ट है यहाँ पे रीजन, इसमें क्या कहता है कि सोर्स एंड रिसीवर यूज सेम लैंग्वेज, ठीक है, एंड वर्ड टू स्टिमुलेट सिमिलर मीनिंग। तो देखिए सोर्स और जो रिसीवर है दोनों को ही सेम लैंग्वेज यूज करना होगा, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर आपको एक लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और आप सेम उसी लैंग्वेज को आप भी यूज कर रहे हो, तभी क्या होगा मतलब स्टिमुलेट कर पाएंगे ना, सिमिलर टाइप के कम्युनिकेशन को आगे भी और बढ़ा पाएंगे। तो ये बात जो रीजन है बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है ये, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा।
ठीक है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दी 35th क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, इन ट्रांजेक्शनल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन द एलिमेंट आर। तो देखिए ये जो ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये लास्ट टाइम जो है कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, इस वर्ड को समझ लीजिए अच्छे से। तो ट्रांजेक्शनल एक मॉडल है कम्युनिकेशन का। तो ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो कि डिस्क्राइब करता है कम्युनिकेशन को एज अ प्रोसेस इन विच कम्युनिकेटर्स जनरल सोशल रियलिटी विच सोशल रिलेशन एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। देखिए ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जहां पर जो सेंडर और रिसीवर है दोनों ही एक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कुछ कहा और मेरे फ्रेंड ने भी कुछ उसका रिप्लाई किया, फिर मैंने कुछ बोला और ऐसे बात चलती जाती है। तो ये एक होता है आपका ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन। ये वर्ड ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। मेरे भी पेपर में इससे क्वेश्चन सेम टू सेम आया था। इन दिस मॉडल यहाँ पे कहता है नर्सेस डोंट जस्ट कम्युनिकेट टू एक्सचेंज द मैसेज। यहाँ पे सिर्फ जस्ट मैसेज एक्सचेंज नहीं होता है बल्कि कम्युनिकेट टू क्रिएट द रिलेशनशिप। ये बात ध्यान रखनी है कि ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन में हमें जो रिलेशनशिप भी बिल्डअप होता है ऐसा यहाँ पर होता है। अब रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप होगा, सिर्फ एक मैसेज मैंने दे दिया और उधर से कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं आया तो रिलेशनशिप कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। उधर से भी रिस्पॉन्ड आएगा, फिर उधर से फिर कुछ कम्युनिकेशन होगा, फिर उधर से ऐसे मतलब चलेगा, ये सर्कुलर टाइप का। तो ये होता है ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन। अब यहां पर कहता कि इन ट्रांजेक्शनल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा एलिमेंट यूज होगा। तो क्या ये कि ये इंडिपेंडेंट है या इंटरडिपेंडेंट है या न्यूट्रल है या एक इनएक्टिव है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये एक एक्टिव कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि ये इंटरडिपेंडेंट है, यहाँ पर दो लोग बात करते हैं और यहाँ पर रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। ठीक है, सो यहाँ पर आंसर जो है वो आपका सेकेंड वाला हो जाएगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है और ये इनएक्टिव भी नहीं है और ये नेचुरल नहीं होता है। ये मतलब दो लोगों के प्रेजेंस होने में और उनके बीच में कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट होगा, कुछ बात होगी तभी ये इनिशिएट होगा। ठीक है, सो यहाँ पर आंसर जो है वो सेकेंड वाला हो जाएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दी 36th क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा ऐसा जो कम्युनिकेशन, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यूज की जाती हैं। तो देखिए कम्युनिकेशन को बेसिकली दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, एक तो हो गया वर्बल, दूसरा हो गया नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल वो सभी तरह के कम्युनिकेशन आएंगे जहां पर शब्द होंगे। ठीक है, चाहे वो बोल के आने वाले शब्द हो, लिख के आने वाले शब्द हो, बट जहां पे भी शब्दों का प्रयोग होगा वो सभी वर्बल होंगे। नॉन वर्बल वो कम्युनिकेशन के मेथड हैं जहां पर शब्द नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे करके आई कॉन्टेक्ट में बातें करना या स्माइल कर देना, थैंक यू किसी ने बोला तो कभी क्या होता है कि वेलकम नहीं बोल के आप सिर्फ स्माइल कर देते हैं, या किसी को कुछ अच्छी लगती है तो वो एक अच्छे से स्माइल देता। तो ये क्या है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया जहां पर शब्द नहीं है, जस्ट जेस्चर, फेस एक्सप्रेशन, इन सब से जो कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक जैसे यहाँ पे है क्विक श्रग योर शोल्डर, तो ये भी क्या हो गया, एक ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। तो अब यहां पर कहता कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि अवॉइडेंस ऑफ सिग्नल। अगर आप देखो कि ट्रैफिक, जो ट्रैफिक रोड है मतलब जहां पर ट्रैफिक सिग्नल होता है, तो वो सिग्नल एक कम्युनिकेट कर रहा है ना वो चीज आपको। अगर आप उसको अवॉइड कर रहे हो, अगर आप सिग्नल नहीं देख रहे हो या उसको लोग जनता जो है वो अगर अवॉइड कर देखे ही ना, तो वहां पे क्या ये कम्युनिकेशन को सपोर्ट कर रहा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। आप सिग्नल से इंफॉर्मेशन जानते हो कि रेड है तो रुकना है, येलो है तो मतलब जस्ट वेट करना है, ग्रीन है तो मूव ऑन करना है। तो सिग्नल से आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट हो रहे हो। तो अवॉइडेंस आप सिग्नल करोगे तो आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है। तो ये चीज क्या हो गई, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है कि इनविजिबल इनकॉन्ग्रुएंस। इसमें क्या होता है, द स्टेट और कंडीशन ऑफ नॉट बीइंग अग्रीमेंट। जो भी बात बताई गई, जैसे उसके साथ आप नहीं
कोऑपरेट नहीं कर रहे और हार्मोनी और डिग्री टू विच द थिंग्स इन दैट स्टेट। तो इनविजिबल इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब आप उन चीजों पे ही ध्यान नहीं दे रहे हो, जैसे कि किसी ने स्माइल करी तो अगर आप देखोगे ही नहीं तो कैसे मतलब कम्युनिकेट कैसे होगा, इनविजिबल कर दोगे उन चीजों को तो कम्युनिकेट नहीं होगा। यानी कि जब भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है तो आपको वहां पर देख के कम्युनिकेशन करना होगा ना, जैसे कि रोड पे जो ट्रैफिक लाइट है वहां पे भी आप क्या है देख करके कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। किसी की स्माइल है तो कोई जैसे यहाँ पे क्या था श्रग योर शोल्डर, यहाँ पे क्या था कि श्रग योर शोल्डर, तो अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे नहीं तो कैसे समझोगे, तो देखना तो पड़ेगा, है ना। तो इनविजिबल इनकॉन्ग्रुएंस से क्या होगा कि जो भी कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि इनकॉन्ग्रुएंस होना चाहिए, ठीक है। सो सेकेंड ए और बी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है कल्चर, यस कल्चर सपोर्ट करता है, हर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में अलग अलग चीज़ होती है, ड्रेसिंग सेंस होता है, यानी कि अगर आप जिस कल्चर में जैसा ड्रेसिंग सेंस होगा वैसा करके पहन के अगर आप जा रहे हो तो इसका मतलब है क्या कि एक आप कोऑपरेट कर रहे हो, एक अपनी हारमोनी दिखा रहे हो, तो वो चीज़ क्या है वो कम्युनिकेट कर रही है ना उनके उनके साथ उनके ग्रुप को। ज्योग्राफिकल लोकेशन ये भी अफेक्ट डालता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, ठीक है बिल्कुल। वहाँ पर अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखो तो वहाँ का खाना पानी हवा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप उसके अकॉर्डिंगली लोग करते हैं, तो वो क्या है जब हम किसी चीज़ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, किसी कल्चर के अकॉर्डिंग देख मतलब चीज़ों को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट वहाँ पर शब्दों की ज़रूरत नहीं है फिर भी हो रहा है, तो ये चीज़ें हैं। कॉन्टेक्सचुअलिटी, बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट भी जो है अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को, एक ही शब्द के अगर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात कही जाए तो मीनिंग बदल जाता है। तो ये चीज़ें हैं कि सी डी ई ये तीनों ही चीज़ें अफेक्ट करती हैं एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को। सिग्नल भी अफेक्ट करेगा बट कह रहे हैं अवॉइडेंस ऑफ सिग्नल लिखा हुआ है इसलिए ये गलत है, इनविजिबल ऑफ इनकॉन्ग्रुएंस इसलिए ये गलत है, ये बात ध्यान रखना है। पता चले नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह का ना वर्ड हो तो आप उसको हटा दें, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर अनएथिकल कम्युनिकेशन। अब इनमें से कौन सा अनएथिकल कम्युनिकेशन है ये बताना है। तो यहाँ पे है यूज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉन रिवीलिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोपोगंडा एंड नॉन कॉमर्शियल पब्लिसिटी। तो अनएथिकल जो होता है एथिक्स को फॉलो नहीं करना तो वो आपका हो जाता है प्रोपोगंडा, ठीक है। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपने एक सोर्स से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है, आपको लगता है कि थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन है मुझे और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप दूसरे सोर्स से लोगे, तो ये कोई अनएथिकल थोड़ा ना हो गया। ये तो ठीक है ना कि आप चीज़ों को और वेरीफाई कर रहे हो, चीज़ों को और देख रहे हो ढंग से, आपकी जब तक समझ नहीं आ रहा आप चीज़ों को ढूंढ रहे हो तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। बट प्रोपोगंडा का मतलब बेसिकली क्या होता है कि भड़काना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होना, तो वो क्या है वो एक अनएथिकल कम्युनिकेशन है। तो यहां पर आंसर जो है वो थर्ड वाला हो जाएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द 38th क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, कम्युनिकेशन मींस डैश ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है एक इंफॉर्मेशन की अगर बात करें तो यहां पे क्या है सप्रेशन, एक्सचेंज, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्टेक्स्टुअलाइजेशन और एब्स्ट्रैक्ट। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो एक बात आपको बता दूं कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब देखिए मैंने आपको एक पेपर रिसर्च एप्टीट्यूड में भी ये बात बताई है कि एब्स्ट्रैक्ट अगर आप देखें जब भी आप रिसर्च पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखा होता है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है उसी रिसर्च पेपर की कुछ 2-4-10 लाइनें होती हैं, ठीक है, लेकिन अगर जब भी आप उसको पढ़ते हो तो आपकी समझ में ढंग से कुछ आता नहीं है, बस ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ये 2-4-10 वर्ड वहां पे यूज हुए हैं, ठीक है, बट आप उसमें क्या लिखा हुआ ये आप नहीं समझ सकते सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट को थोड़ा सा देख के। तो एब्स्ट्रैक्ट का अगर हिंदी में मतलब मैं बताऊं आपको तो इसका मतलब होता है अमूर्त, मतलब जिसकी कोई मूरत ही ना बने, ठीक है। अब अगर जो भी चीज मैं आपको पढ़ाती जाती हूँ तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ एक इमेज बनती जाती है, जैसे मैं भी अगर आपको कुछ पढ़ा रही हूँ तो उसकी कुछ इमेज बन रही है मेरे भी माइंड में, तो जिसकी इमेज मेरे माइंड में बनती जा रही है यानी कि वो क्या बन रहा है वो एक मूर्ति बन रही है, समझ में आ रहा है, तो आप उसकी इमेजनरी एक आप इमेज बनाते जा रहे हो। जैसे मैंने बोला ट्रैफिक सिग्नल, तो आपके सामने आ गया वो रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट,
ठीक है, तो वो क्या हो गई, वो एक इमेज बन गई, वो हो गया मूड। बट कुछ ऐसा बोल दिया जाए जिसका कोई आपस में कोई सेंटेंस का कोई लिंक ही ना बन रहा हो, तो वो क्या हो गया, वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट। और वहां पर जब मीनिंग नहीं होगा तो वो कैसा, वो कोई कम्युनिकेशन, उससे आप कुछ इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट जो कम्युनिकेशन है वो मतलब वहां से प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। सो एब्स्ट्रैक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए जहां पर इमेज बन रही हो माइंड में। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है अमूर्त, जहां पे इमेज नहीं बन रही है। सो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब आप देखिए ई वाले सभी ऑप्शन को काट दीजिए। अब आता है सप्रेशन। सप्रेशन का मतलब क्या होता है, चीजों को दबा दिया जाए। ठीक है, जैसे अगर देखें यहाँ पे इस इमेज से आप देखें कि एक दूसरे को मतलब इन्फॉर्मेशन ना जानने देना, बस इसीलिए लोग पीछे रह जाते हैं। अगर लोगों के पास इन्फॉर्मेशन हो, नॉलेज हो, तो हर कोई आगे बढ़ सकता है। तो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन ना देना, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, तो उससे क्या होगा, सप्रेशन। सप्रेशन से क्या होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, दबा दिया जाए। तो सप्रेशन ए वाले ऑप्शन जिसमें हो उन्हें आप कट कर दीजिए। तो अब क्या बचता है आपके पास, बी सी डी, ये सभी चीजें इंफॉर्मेशन में आएंगी। अब देखिए इंफॉर्मेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन में एक्सचेंज होती है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती है, और एक कॉन्टेक्स्ट में आप बात करते हैं। तो बी सी डी ये तीनों सही है और सेकेंड इज दी आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द 39th क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट्स इन ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन के। तो देखिए एक और क्वेश्चन आपका आया है ट्रांजेक्शनल, आपको बताया कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मॉडल इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। द ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डिस्क्राइब कम्युनिकेशन एज अ प्रोसेस इन विच कम्युनिकेटर्स जनरेट सोशल सोशल रियालिटी विद इन सोशल रिलेशनल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। यानी कि यहाँ पे आप बात को समझ रहे हैं, द ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन जो ट्रांजेक्शनल मॉडल है कम्युनिकेशन का, वो डिस्क्राइब करता है कम्युनिकेशन को एज अ प्रोसेस कि एक सोशल रियालिटी बन जाए, ठीक है, यानी कि एक रिलेशनशिप बन जाए। और ये कैसा होता है, एक एक्टिव मोड में होता है। जैसे आप ये और इसको ध्यान से समझते हैं, ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन रिफर टू कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए कि कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वेयर बोथ सेंडर एंड रिसीवर आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस एंड टेक टर्न टू कम्युनिकेट द मैसेज। अब यहाँ पे ये बात बोलता है कि हियर बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज मस्ट बी एक्टिव। जो सेंडर है और जो रिसीवर है उनको कैसे होना होगा, दोनों ही एक्टिव फॉर्म में रहेंगे एट द सेम टाइम टू कीप द कम्युनिकेशन ओपन। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर होती है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजेक्शनल मॉडल इंक्लूड फेस टू फेस बात करना, फेस टू फेस मीटिंग होना, टेलीफोन पे बात करना, कॉल, स्काइप कॉल, वीडियो कॉल सेशंस, इंटरैक्टिव ट्रेनिंग मीटिंग्स इन विच ऑल अटेंडिंग पार्टिसिपेट्स बाय शेयरिंग द आइडिया एंड देयर कमेंट। तो ये होता है ट्रांजेक्शनल मॉडल। अब इनमें से कहता कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट्स, इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो कि ट्रांजेक्शनल मॉडल से रिलेट करती हैं। ठीक है, तो पहली बात क्या है कि ये एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में बात यहाँ पर होती है, बिल्कुल ठीक है। कल्चरल भी होगा, सोशल है, कल्चरल हो सकता है, रिलेशनल भी होता है, बट यहाँ पे लीगल नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, डिलेड, डिलेड नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर कैसी होती है, एक्टिव फॉर्म में, जो सेंडर और रिसीवर है दोनों ही एक्टिव फॉर्म में होंगे और ओपन कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सेम टाइम पे हो रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है सोशल कॉन्टेक्स्ट है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट है, ये तीनों कॉन्टेक्स्ट होंगे और यहाँ पर दोनों ही इनकोडिंग और डिकोडिंग साथ साथ होगी। ठीक है, तो ये है ट्रांजेक्शन मॉडल, काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। इसमें क्या है, मीडिया किट्स आर यूज इन, मीडिया किट है इसको कहाँ पर यूज किया जाता है। अब देखिए इसको मैं एक्सप्लेन तो कर देती हूँ, बट आप यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे समझिए कि अगर कभी आपके सामने नए वर्ड्स आ जाएं, ठीक है, जैसे नई चीजें अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम में कोई नए शब्द आ जाए, कोई नया टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो हम उसको कैसे डील करेंगे। तो आपको यहाँ पे ये समझना है
कि अब आपको मीडिया किट के बारे में नहीं पता, बट आपको मीडिया सिर्फ दिया होता तो आप समझ जाते। तो मीडिया क्या होता है, जैसे प्रेस मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया, ठीक है, टेलीविजन के लिए हो गया, और यूट्यूब पे सोशल मीडिया, ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे मीडिया के किट की बात कर रहा है, यानी कि ग्रुप ऑफ चीजें हो जाएंगी। अब उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन हो वो आप टिक कर दीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन किया जाएगा, इंटरनल कम्युनिकेशन किया जाएगा, क्लासरूम कम्युनिकेशन किया जाएगा, या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन किया जाएगा। अब आपको क्या वर्ड दिखता है कि मीडिया से हम कैसा कम्युनिकेशन, जो सोशल मीडिया है, प्रेस मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इससे हम किस तरह का कम्युनिकेशन करते हैं? इसके थ्रू तो हम एक्सटर्नल वर्ड से कनेक्ट होते हैं ना। जो भी आप इंटरनली तो नहीं होते, एक्सटर्नल वर्ड से कनेक्ट होंगे, कॉन्फिडेंशियल तो नहीं करेंगे, मीडिया के सामने कॉन्फिडेंशियल चीज तो नहीं बताएंगे। जहां पे जरूरत होगी, जो डेटा आपका होगा, आपकी आईडी प्रूव होगी, उसको आप कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, जहां पे जरूरत होगी वहां पे दिखाएंगे। तो एक्सटर्नल वर्ड से आप कम्युनिकेट होते हैं ना, जो भी आपका मीडिया है। अब वैसे यहाँ पर मीडिया किट के बारे में मैंने बताया हुआ है कि मीडिया किट क्या है, एक प्राइमरी यूटिलाइज बाई जर्नलिस्ट के लिए होता है, ठीक है, जो कि यूज करते हैं मीडिया किट को, और जहां पे एक ही जगह पे सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मिल जाए और पब्लिक क्विकली वहां से एक्सेस कर सके। तो वो क्या है, मीडिया किट है। अ प्रेस किट इज ऑल्सो नोन एज मीडिया किट। इट इज अ पेज ऑन वेबसाइट दैट कंटेन द रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन रिपोर्टर्स एंड पब्लिशर। द बेस्ट प्रेस किट मेक इट रियली इजी टू रिपोर्टर टू क्विकली लर्न अबाउट द प्रोडक्ट ब्रांड एंड एक्सेस द फोटो मार्केटिंग मटेरियल। अब यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि जैसे ये एक इमेज है मीडिया किट की, कि एक जगह पे ये सारी चीजें आप बता रहे हो, तो फ्री मीडिया किट टैम्पलेट्स, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे समझ में आता है कि क्या है कि मीडिया किट से क्या होता है, आप एक्सटर्नल वर्ड से कनेक्ट होते हो, तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर आपका फोर्थ वाला हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। और अगर अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं कनेक्टेड हैं तो आप यहाँ पर कनेक्ट हो जाइए, और जैसा भी लगा हो वीडियो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं, और ताकि जिससे इससे जो भी आने वाले नेक्स्ट वीडियोस हैं मैं आपको उनमें और बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं और आपसे प्रॉपर अच्छे से कनेक्टिविटी हो सके, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।